तो फ्लटर क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि क्रिएटेड बाय गूगल है, ओके। और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, मतलब इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशन बना सकते हैं, आईओएस का एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब का एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज का बना सकते हैं, मैकओएस का बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ओके, यूजिंग सिंगल कोड बेस, ओके। एक ही कोड बेस से अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसमें इस फ्रेमवर्क में डार्ट लैंग्वेज यूज होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ये ओपन सोर्स है, मतलब ये फ्री टू यूज है, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल है इसका, मतलब इसमें हॉट रीलोड हॉट रीस्टार्ट की फंक्शनैलिटी हमें मिल जाती है, जिसमें 30 सेकेंड्स में हम लोग चेंजेस देख सकते हैं तुरंत। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, सुपर प्रोडक्टिव है, जिसमें हमें हॉट रीलोड हॉट रीस्टार्ट का फंक्शन तो मिलता ही है, साथ में हमें स्टेटफुल विजेट्स मिलते हैं, जो कि तुरंत कुछ भी रिफ्लेक्शन देखना है, तुरंत हमें कुछ चेंजेस देखना है विथ हॉट रीलोड, तो हम लोग डायरेक्टली उसको देख सकते हैं, ओके। तो चौथा पॉइंट क्या है, इजी टू लर्न है, जैसे कि डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, जो कि आपके बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, और आपको थोड़ा सा यूआई का आइडिया होना चाहिए कि यूआई किस तरह से होता है, जैसे कि कॉलम क्या होते हैं, कंटेनर क्या होता है, रो क्या होता है, ये सब का आपको आइडिया, तो आप आराम से फ्लटर को यूज कर सकते हो। पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें विजेट लाइब्रेरी हमारे पास बहुत सारी है, जैसे कि HTTP है, गेट है, शेयर प्लस है, टॉगल स्विच है, आपको कुछ भी बनाने की खुद से जरूरत नहीं है, सारी चीजें, ज्यादातर चीजें हमारे पास यहाँ पर पैकेजेस होता है, ज्यादातर हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरीज होती है, जो कि हमें जस्ट यूज करना है यहाँ पर फ्रेमवर्क में। सिक्स पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट है, तो यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट बाकी फ्रेमवर्क से थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये नया नया आया है अभी, रिएक्ट नेटिव जो कि पहले से है हमारे पास, इसमें कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा है, बट लेकिन कुछ सालों में फ्लटर बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए इसका कम्युनिटी सपोर्ट बढ़ते जा रहा है बहुत ज्यादा, ओके। तो इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये गूगल का है, तो ऑब्वियस है इसका फ्यूचर में स्कोप बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ फेमस एप्लीकेशन है जो कि यूज करते हैं फ्लटर को, जैसे ड्रीम इलेवन, ईबे, स्टेडिया एंड गूगल पे। तो यहाँ पर फीचर क्या है हमारे पास फ्लटर का, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट है, एक फीचर ये हो गया हमारा। इजी टू एक्सेस टू नेटिव फीचर्स, नेटिव एप्लीकेशन जो भी होते हैं हम उसके आराम से फीचर्स को यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। मिनिमल कोडिंग, कम से कम कोडिंग में यहाँ पर हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में XML फाइल अलग से लिखना पड़ता है, कोडिंग अलग से करना पड़ता है, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास कोडिंग ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें UI बनाना नहीं है अलग से ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या तो कुछ हमारे पास XML फाइल नहीं है, जैसे कि iOS में स्टोरी बोर्ड होता है, वो सब यहाँ पर हमारे पास कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको कोडिंग करना है, जो कि डार्ट लैंग्वेज में होगा, और फास्ट डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है, और यहाँ पर कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के लिए अलग अलग डेवलपर्स लगते हैं, बट यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन बनाने के लिए सिंगल डेवलपर लगेगा, जिससे हमारा कॉस्ट भी बहुत कम होगा, ओके। और इसमें हमारे पास फंक्शनैलिटी मिल जाता है हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट का। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।